हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे से राइट जाना है ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके, हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं जो कि मैं उनका अभी नाम जान लेता हूँ और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है, कहाँ से आती हैं, कौन सी कार से सीख रही हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सुशीला। ओके, कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? फोन दीजिए। कौन सी कार से सीख रही हैं? मैडम बार बार गर्दन नहीं उठा के देखना, मैंने बोला ना आप रिलैक्स होके बैठो, रिलैक्स, समझ रहे हैं? आप एकदम रिलैक्स होके बैठो, आप इतना हाइपर मत हो, बहुत अच्छी चला रही है, सभी के साथ होता है। मैं बहुत ज्यादा चीजें गाइड कर रहा हूँ इसलिए अभी मैं बोलना बंद कर दूं तो आप चलाते रहोगे, लेकिन फिर फायदा क्या उन चीजों का? जब वो आपको आपकी कमियां ही नहीं पता चलेंगी तो आपको क्या फायदा उन सब चीजों से? ये छोटी छोटी गलियां है ना, यहाँ पे बिफोर प्लान करो। अब जैसे ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी कभी भी कहीं से भी आ सकती है, हमें दिख नहीं रहा है। और एक बार हॉर्न बजाया करिए मैडम, आप कई बार हॉर्न बजाते हो, हॉर्न जो होता है वो गाली होती है। एक बार लॉन्ग हॉर्न बजा दो, जैसे आपने यहाँ पे दो बार हॉर्न दिया, एक बार लंबा हॉर्न बजा दो, ठीक है? और जो गलियों में कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो रोड पे आप सीधा सीधा तो चला सकती हैं, रोड पे आप सीधा सीधा चला सकती हैं, लेकिन जो गलियों का कॉन्फिडेंस है ना उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। डाउट्स जो हैं स्टीयरिंग को लेके, सिग्नल्स को लेके, क्लच को लेके, गियर को लेके, साइडों को लेके, बोनट को लेके, गाड़ी के जजमेंट को लेके, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाती हैं। यहीं से राइट टर्न करना है हमें, नहीं चलो सीधा ले लो, सिग्नल बंद करो, हाँ स्लो करके, हाँ अभी यहीं से लेफ्ट लेना, पहली गली से सिग्नल दीजिए, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे, टर्न करो। और ना हर जगह पूरा क्लच नहीं लेना होता है, हर जगह पूरा क्लच सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कहीं पे स्लोपिंग है और आप टर्न कर रहे हो, वहां पे क्लच दबा लोगे ना तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, बैक हो जाएगी। अगर आपको लगता है स्पीड आपकी ज्यादा है और आप गाड़ी को धीमा करना चाह रही हैं तो वहां पे हाफ क्लच लेके और 10-20% ब्रेक लेके गाड़ी को धीमा किया जा सकता है। अगर आपने पूरा क्लच दबा लिया तो गाड़ी डीएक्टिवेट हो जाएगी, गाड़ी का वेट, हम लोग का वेट, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यहीं से लेफ्ट लेना है, ब्लाइंड टर्न है, लेफ्ट लेते फिर राइट टर्न करना है। जैसे लेफ्ट टर्न करोगे वैसे राइट टर्न करना है। सामने से देखो रिक्शा भी आ रहा है, लेफ्ट आओ, हाँ बस यहीं से रोक लो, स्टॉप कर लो, स्टॉप। मैंने कितना पहले बोला आपको स्टॉप, और कितनी गाड़ी, और अभी आपका पूरा क्लच नहीं दबा है, ये फुल दबना चाहिए। कार बंद होने के कारण ही यही है, आपने हाफ क्लच पे गाड़ी तो रोक ली, अभी जरा सा क्लच कहीं झटके से छूटता इंजन बुझ जाता, चलो राइट टर्न करो। और जब मैंने रोकने के लिए बोला था उससे कम से कम 2-3 मीटर गाड़ी आगे आपकी बढ़ गई। चलो जाओ ब्रेक को रिलीज करो, धीरे धीरे खिसकाओ भाई, जहां बैठी हो राइट टर्न करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, जहां बैठी हो वहां से सीधी करो, सीधी करो, जहां बैठे वहां से 6.5 फीट आपकी गाड़ी का बोनट आगे निकला, आपकी हाइट से ज्यादा। तो अगर आप इतना लेट करोगे तो गाड़ी तो टकरा जाएगी जाके, चलो चलो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी। आगे से लेफ्ट लेना, ब्लाइंड टर्न है, टर्निंग के साथ स्लोपिंग भी है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टर्निंग के साथ स्लोपिंग भी है। क्लच को फ्री करो, हर जगह मैडम क्लच नहीं दबाते हैं, गाड़ी आपकी रेंग रही है, जीरो की स्पीड में एकदम रेंग रही, फिर भी क्लच दबाओगे तो गाड़ी ये खड़ी हो जाएगी, चलेगी किसके सहारे? राइट टर्न करो, सीधी करो, समझ रही मेरी बात को? हर जगह क्लच नहीं दबाना होता है, क्लच वहां लेके टर्न करना होता है जहां पे गाड़ी की स्पीड थोड़ी बड़ी होती है। अभी यहीं से राइट, ब्लाइंड टर्न है, ब्रेक लो हल्का सा, ढलान है इसलिए भाग रही है। जैसे जहां पे स्लोपिंग है वहां पे हमें क्लच यूज नहीं करना है, ठीक है? एक फ्लो में अगर आप गाड़ी चढ़ा रही हैं, ढलान है, गाड़ी की स्पीड बढ़ी है ज्यादा है, तो आप हाफ क्लच लेके हल्का ब्रेक ले सकते हो। फर्स्ट और सेकंड गियर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अगर स्पीड ज्यादा है, फर्स्ट गियर में आप बिना एक्सीलेटर चल रही तो क्या स्पीड ज्यादा होने के चांसेस है? नहीं है, क्योंकि आप बिना एक्सीलेटर चल रहे हो, और फर्स्ट गियर होता है पावरफुल, उसमें स्पीड नहीं होती है, ताकत ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है,
लॉन्ग हॉर्न पुश करो। अभी आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है, एकदम ब्लाइंड टर्न है, बहुत कंजेस्टेड है, उबड़ खाबड़, बच्चे बकरी गाय भैंस सब मिलेंगी। अब टर्न करो यहीं से, गुड। अब आपने राइट में देखा था, जब अभी लेफ्ट आपने टर्न किया है तो क्या आपने राइट में देखा था? नहीं देखा था, यहीं से राइट टर्न करना है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो इसी गली में, हाँ चलो जाने दो, टर्न करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, अब सीधी करो फटाफट फटाफट, बस सर कुछ नहीं करेंगे हम, चलती गाड़ी से उतर जाएंगे, राइट रखो, हाँ हम उतर जाएंगे, स्लो करो, साइकिल तो क्लच दबा के ब्रेक ले लेती, अब रोक लो यहाँ पे, पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच देन ब्रेक, हाँ अब क्यों गाड़ी आगे बढ़ रही है आपकी, क्यों बढ़ रही है, क्यों क्यों भाई, यही सब एक्सीडेंट में तो यही तो गलतियां होती हैं। चलो अभी ब्रेक छोड़ो, ब्रेक लगाने के बाद प्रॉपर ब्रेक को तब तक के रोक के रखना जब तक हमें अगला स्टेप ना लेना हो। आपने ब्रेक लगाया, छोड़ दिया, गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही, इससे पहले वहां पे जहाँ पे आपने रोका था वहां पे आपने टाइम पे ब्रेक ही नहीं लगाया था, जहाँ पे वो ट्रॉली लेके आ गया था लड़का, स्लो, हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो, पूरा क्लच दबा लो, हाँ रोकनी पड़ सकती है क्योंकि वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं, हाँ स्लो करके एकदम रोक लो ना, रोक लो उसको, जाने दो धीरे धीरे, अभी निकल जाने दो, अब जाओ ब्रेक छोड़ो पहले फिर हाफ क्लच छोड़ो, चलो चलो हाँ जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं, अपना लेफ्ट आ जाओ, हाँ बस राइट और खोल कर राइट, इसी गली में लेफ्ट लेना, टर्न करो लेफ्ट फुर्ती से, हाँ हॉर्न सीधी करो, राइट जाना है, राइट का सिग्नल, हाँ लेफ्ट दबा के राइट, स्लो करो, हॉर्न दो, हॉर्न छोड़ो ब्रेक, क्लच छोड़ो क्लच, जाने दो, सीधी करो सीधी करो सीधी सीधी, बस हॉर्न, ये होता है असली कॉन्फिडेंट, सीधा सीधा रोड पे तो लोग बहुत चला लेते, कहते हैं भाई हमने 10 किलोमीटर चलाया 12 किलोमीटर चलाया, लेफ्ट आओ रैंप पे टकराएगी फिर, हाँ सीधी रखो, गुड हॉर्न, हल्का राइट रखो, राइट हॉर्न, देखो वो हेडफोन लगाए हुए था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कोई आ रहा है जा रहा है, अभी आगे से मैं लेफ्ट चलना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, एक उंगली लगाया करो फर्स्ट फिंगर, अब हल्की सी स्पीड दो, यहाँ चढ़ाई है देख रहे हो, स्लोपिंग है, हाँ चलो जाओ रेस लो, हल्का रेस लेके रखो, हाँ अब टर्न करो लेफ्ट फटाफट फटाफट, गुड, अगर यहाँ पे आपने स्पीड कम करी होती तो गाड़ी आपकी बैक लौट जाती, रुक नहीं जाती, पीछे जाने लगती, चलो बढ़ाइए स्पीड, हाँ हॉर्न हॉर्न हॉर्न, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, चेंज करो गियर, राइट वाला पैर कहाँ था आपका, क्यों एक्सीलेटर पे क्यों था वही पूछ रहा हूँ, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, गियर चेंज करते टाइम राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, अभी लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हाँ सीधी रखो स्टीयरिंग और लेफ्ट आओ, हाँ और बस पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच देन ब्रेक, हाँ बस अब इसको न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक लगाओ, इंजन बंद करो, और आपको भी जाना नहीं, आप पीछे बैठो आधे घंटे मेरी गाड़ी में, देखो अगला कैसे चलाता है, अपनी गलतियां खुद को पता नहीं चलती हैं, लेफ्ट हैंड से डोर खोलना है, लेफ्ट हैंड से पहले सीट पीछे कर लिया करो उतरने से पहले, तो आसानी होगी आपको उतरने में, देख के खोलना डोर लेफ्ट हैंड से, हमेशा डोर लेफ्ट हैंड से ही खोलना चाहिए ताकि पीछे आने वाले लोग आपको दिख सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, जय हिंद वंदे मातरम।